के न्यूज़ खबरों की नई पहचान। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर धनबाद मुख्यालय में झरिया सिंदरी बागमारा निर्जा से प्रतिनिधि ने अपना नॉमिनेशन किया। वहीं झरिया विधानसभा से संजीव सिंह ने एवं उनकी पत्नी रानी सिंह ने भी अपना नॉमिनेशन किया। वहीं संजीव सिंह ने बताया कि 2019 का लोकसभा चुनाव का नतीजा याद है और इस बार भी जीत सुनिश्चित है। 2019 का लोकसभा में क्या रिजल्ट आया था? भाजपा जीती थी ना, भाजपा विजयी होगी। वही राजनीत सिंह ने बताया कि पार्टी का विश्वास और जनता का प्यार हमारे साथ है, जीत होगी और अधूरा काम पूरा होगा। आईडी कहाँ मेरे पास है? देखिए देखिए जीत कौन दिया है। पार्टी जीत होगी और हर बार से अधिक माध्यम से या माँ कुंती देवी के माध्यम से, लेकिन जो जहाँ भी थोड़ा सा है वहाँ मैं जरूर चुनाव बाद। और सबसे पहले ऐसे भी पानी का काम चालू होगा, हमारे फंड आ चुका है, 296 करोड़ के फंड आ चुका है। चुनाव खत्म, जैसे चुनाव खत्म होता है सबसे पहले मैं पानी। वही आप पार्टी से सिंगरी विधानसभा से उम्मीदवार ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है और अगर इस बार हम जीतते हैं तो सिंगरी से सुंदरी बना देंगे। प्रत्याशी खड़ा किया, क्या उम्मीद लगा है जनता से? जनता मुझे चाहती है और मैं निश्चित सिंदरी से जीतने जा रहा हूँ। किन से टक्कर हो सकती है? मेरा टक्कर किसी से नहीं। जीतते हैं तो सिंदरी को स्वागत कर देंगे आप? बिल्कुल, जो सिंदरी को सुंदरी बनाएंगे। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने भी नॉमिनेशन करवाया, साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद रही। वही ढुल्लू महतो ने बताया कि जनता हमारे लिए भगवान है और हम जनता को भगवान के रूप में पूजते रहेंगे। 10 वर्षों से लगातार जनता के बीच में सेवा के भावना से हम काम किए हैं। हम अपने जनता जनार्दन को भगवान के रूप में, देवता के रूप में माने हैं और आज आने वाला समय में भी उनको देवता के रूप में ही हम बागमारा के जनता को मानते रहेंगे और उनको पूजा करते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे। देखिए बागमारा नहीं, धनबाद के प्रति गलत मानसिकता भाव, गलत भाव रखने वाले लोग, लूटने के मकसद से राजनीति करने वाले लोग हमारा विरोध करता है। सेवा के भावना से राजनीति करने वाले जो भी लोग हैं उनका, सभी लोगों का सहयोग आशीर्वाद हमें मिलता है। बीजेपी के उम्मीदवार इंद्रजीत महतो ने भी अपना नॉमिनेशन किया और वही मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस तरह पार्टी ने एक कार्यकर्ता पर विश्वास जगाया है उस विश्वास को हम कायम रखेंगे और जनता के बीच जो विश्वास मिल रहा है, सिंदरी में जो पार्टी का लक्ष्य है 65 पार को हम पूरा करेंगे और जो परिणाम लोकसभा में देखने को मिला है वही परिणाम देखने को मिलेगा। एक साधारण परिवार के साधारण कार्यकर्ता के ऊपर सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के जनताओं का प्रतिनिधित्व करने का जो अवसर दिए प्रत्याशी घोषित किए, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ साथ आम नागरिकों में, सभी वर्गों के लोगों में एक काफ़ी उत्साह का माहौल है और सभी को ये लग रहा है कि मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा भाई को राष्ट्रीय पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और नई नेतृत्व को, ऊर्जावान नेतृत्व को प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है और सिंदरी में जो पार्टी का लक्ष्य है 65 पार, उस लक्ष्य को एक ऐतिहासिक मतों के साथ फिर से सिंदरी में अमल खिलेगा। कई प्रत्याशी मैदान में, उनके बारे में क्या? प्रत्याशी चुनाव होते हैं तो सभी लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के उपलब्धियों को देखते हुए मतदाताओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एक रुझान देखने के लिए मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में जो परिणाम देखने के लिए मिला है वही परिणाम इस बार विधानसभा चुनाव में भी। निर्सा विधानसभा से मार्क्स के विधायक अरूप चटर्जी ने भी अपना नॉमिनेशन करवाया। उन्होंने कहा कि हमारी टक्कर किसी से नहीं बल्कि हमारी लड़ाई जनता के लिए है, हमारी लड़ाई मजदूरों के लिए है, हम मजदूर भाई के लिए लड़ते हैं और इस बार जीत भी हमारी तय है। समझते हैं जो हमारे क्षेत्र में भी टूरिज्म को इस बार ये 5 साल सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे ताकि टूरिज़्म के माध्यम से कुछ नौकरियां मिल सके और जो बंद फैक्ट्रियां हैं उसको चालू करवाने की जो प्रयास थे उसको जारी रखें। इस बार अपर्णा सिंह गुप्ता आपके खिलाफ आई है, पहले भी वो लड़ चुकी है, एक बार वो चुनाव जीतने के बाद मंत्री बन गए, कितना वो मुकाबला कर पाए? 10 साल जनता के बीच में कभी नहीं गई तो स्वाभाविक बात है 10 दिन में वो क्या कर ले। तो सिर्फ मोदी जी और रघुवर दास जी और सबके नाम लेके वो कितना वोट टान पाएंगे वो देखने की।
जेएमएम कोई फैक्टर नहीं है, आप क्या कह पूछ रहे हैं? जेएमएम कोई फैक्टर नहीं है, मैं आशा करते हैं 20 से 25 हज़ार में से। सीएम ने कहा था कि हम लाल झंडा को उखाड़ देंगे इस बार निर्षा से, क्या लग रहा है? आशा करते हैं सीएम की कुर्सी खुद उखड़ जाएगी। तो वहाँ मैंने मासस जो है कि मात्र जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा और आप पे सबसे ज़्यादा है, तो मासस के धनबाद में दो सीट सिंदरी और आपका, इस बार क्या रहेगा? दोनों इस बार 30,000 से ऊपर वोटों से जीतेंगे।